अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। तो जी, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की एक स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम बना रहे हैं पोटैटो क्रॉकेट्स। इनको आप चाय के साथ भी खा सकते हैं और बच्चों को स्कूल लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चे भी इसको बड़ा पसंद करते हैं और ये एक हेल्दी फूड है। तो जी चलें, आप इंग्रेडिएंट्स देख लें। इसके लिए आपको चाहिए आधा किलो आलू। इनको बॉईल करके हल्का सा नमक डाल के आप इनको बॉईल कर लें। एक आपको चाहिए ब्रेड स्लाइस। 2 to 3 tablespoon आपको चाहिए चेडर चीज़। 2 tablespoon सोया सॉस। और ये मसालों में आपको चाहिए हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून काली मिर्च और हाफ टी स्पून चिकन पाउडर। तो जी हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। ये देखें जी, आलू हमने मैश कर लिए हैं। आलू को अच्छे से मैश करने के बाद हम इसमें नमक और मिर्च ऐड करेंगे। ये आप नमक और मिर्च ऐड करें इसमें, साथ सोया सॉस और ये ब्रेड स्लाइस को ग्राइंड करके आप इसके क्रम्स खुद बना लें। ये भी बीच में ऐड किया। अब इसको अच्छे से मिक्स करें। ये देखें, आलू हमारे अच्छे से मैश हो गए हैं। अब हम इसमें ये चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ आपने चेडर चीज़ यूज़ करनी है और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। और अब आप इसके किसी भी शेप के बॉल्स बना लें। राउंड शेप में बना लें, स्क्वायर में बना लें। ये देखें जी, क्रॉकेट्स मैंने बना ली हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसकी कोटिंग कैसे करनी है। तो उसके लिए आपको चाहिए 2 से 3 ब्रेड स्लाइस के क्रम्स, ठीक है, आप घर में ही बना लें। एक अंडा और 2 चम्मच मैदा। आप अंडे के अंदर 2 चम्मच मैदा मिक्स करें, इसको अच्छे से बीट कर लें। ये देखें, हमने अच्छे से बीट कर लिया। अब हम अपना इसको लेंगे, इसको सबसे पहले हम ये अंडे और मैदे वाली कोटिंग में फोल्ड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में। इस तरह आप ये सारे बनाएं और पैन को गर मैंने रख दिया ऑयल गरम होने के लिए। अब आप इसको दोबारा ये इसमें फोल्ड करें और फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे। ये देखें जी, अब हम इनको एक एक करके फ्राई करते हैं। ये देखें, ये एक साइड से हो गए हैं। अब आप इनकी साइड चेंज करते हैं, गोल्डन ब्राउन। बस ये फ्राई हो गए हैं। अब मैं इनको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ।
तो जी हमारे मज़ेदार से क्रॉकेट्स तैयार हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी डेली अपडेट्स मिलती रहें। Okay.